हेलो बच्चों, वेलकम टू गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन है अब है एक्सरसाइज 8.2, चैप्टर नंबर 8, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सॉल्व एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों बच्चों, क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का है, तो सॉल्व करते सबसे पहले। तो बच्चों, इसमें बोला क्या है कि ये क्वेश्चन है, इसके चार ऑप्शन होंगे किसी को, तो हमें ये निकालने हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू, और बच्चों 10 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1/√3, और डिवाइड बाय 1+ में 10 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमें यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2/√3। बच्चों जगह थोड़ा इसमें सारे क्वेश्चन हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा कम जगह लग रखी है इसमें, तो थोड़ा ध्यान से करना। कभी बच्चों इसका स्क्वायर होता है ना रूट का, तो 1 का 1 से करेंगे 1, और √3 का √3 से करेंगे तो 3 आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 1/3। अब क्या करेंगे, 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर देंगे और वैल्यू आएगी 2/√3। और अगर 3 इधर जाएगा ये 1 हो जाएगा, तो जाएगा 3+1/3। और जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यू आएगी 4/3। अब देखो डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये करते हैं हम इसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हमारा ऐसे कटेगा। तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी 1/√3 ऊपर, बच्चों नीचे क्या है? 2/√3। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2/3 है ना, जो ये उल्टा हो जाएगा 3/2, क्योंकि जो भी डिवाइड बाई डिजिट होती है ना, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? उल्टा, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 को तोड़ सकते हैं हम, √3 × √3 अपॉन में √3, और ये 2 है ही, 1 तो मल्टीप्लाई करके 1 ही रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम इससे इसे काटते तो हमारे पास वैल्यू क्या बचती है बच्चों? √3/2। अब जब हम चेक करते हैं ऑप्शन में, तो बच्चों जो √3/2 जो वैल्यू होती है वो होती है sin 60 की। तो जो हमारा जो पहले का आंसर आया sin 60। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें 10 45 की वैल्यू, तो हमें सबको पता 10 45 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर भी हम इसे रखते हैं होगा 1, तो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 प्लस। तो बच्चों 1 में से 1 लेस करेंगे 0 और 2। अब हमें पता 0 से जो भी टकराता है, 0 से जो टकराता है वो 0 से ज़्यादा, तो हमारा आंसर आएगा इसका 0, तो जो कि हमारा आंसर डी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से है थर्ड पार्ट। ये बोलेगा ए की वैल्यू क्या होगी इफ sin 2a = 2 sin a is true। कब होगा? वैन ए की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों आप सभी वैल्यू को रख के देखोगे तो आपका जो आंसर जो लास्ट में जो फिट होगी 0 ही होगी, क्योंकि 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0, और इससे मल्टीप्लाई होकर 0, तभी ये केस पॉसिबल है, वरना ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तभी ये केस पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होगा। अब करते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है 2 tan 30 1 - tan 30 की इन चार में से कोई एक वैल्यू है, सॉल्व करो। तो बच्चों हम इसे सेम ये फर्स्ट की तरह ही है, 2 tan 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/√3, और ये हो जाएगा 1 - tan²30 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1/√3 का स्क्वायर। जब बच्चों इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 √3 डिवाइड बाय, इसको जब खोलेंगे तो 1 1 जा 1/3 हो जाएगा। अब डिवाइड बाय 1 रख के हम क्या करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 2/√3 अपॉन में, ये जगह 3 - 1/3। तो जब सॉल्व करेंगे इसे, 2/√3 ये जगह 2/3। बच्चों 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब बच्चों 1/3 था, इसको अपोजिट करेंगे क्या जाएगा? 3/1, क्योंकि हम क्या करते हैं डिवाइड के नीचे डिवाइड होता था उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे ही डिजिट चेंज इंटरचेंज होती है, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे। अब 3 को हम क्या तोड़ सकते हैं? √3 × √3 अपॉन में, ये √3 1 जा √3 चल रहा है, इसका हमें एक बेनिफिट होगा, ये कट जाएगा, वैल्यू हमारे पास क्या बच के आ रही है? √3। और जब हम इसे देखेंगे, √3 बच्चों जो वैल्यू होती है वो होती है tan 60° की। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को, चारों क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। बच्चों आपको क्वेश्चन कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ना भूलिएगा। और बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गोपाल शर्मा क्लासेस।